तो ये अपना पावर रेज का तो गाइस ये अपनी इंटरसेप्टर पावर एज के स्लिप ऑन एग्जॉस्ट जाना का टॉप लेग गार्ड टॉप ट्रैक विद बैक रेस्ट सहारा सीट्स। मैं बस बता रहा हूँ मैंने क्या क्या लगवाया है, उसके बाद में वील डिस्कस एवरीथिंग व्हाइल आई एम ऑन द बाइक। आगे से शुरू करें कार्बन रेसिंग की विंडशील्ड, रॉयल एनफील्ड के टूरिंग मिरर्स, राइनॉक्स का मोबाइल फ़ोन होल्डर, ये रॉयल एनफील्ड का क्या बोलेंगे इसको, जो भी बोलेंगे देख लो, ट्रिप मशीन के लेदर रैप्स, केएनएन का परफॉर्मेंस फिल्टर, व्हाट एल्स आई हैव गॉट, ज़ाना का मास्टर सिलेंडर गार्ड, अच्छा लगता है ब्लैक, इट गोज़ विद द लुक, बाइक का वो देख लो भाई, लगती है ना, लुक आता है बॉस, बस एक ट्यूबलेस हो जाता था तो एंड था, एंड हो जाता। हाँ, एक रॉयल पिस्टन की प्रोजेक्टर हेडलैम्प, ये ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं है। और सारा सीट्स बहुत अच्छी है भाई, नो डाउट। राइनॉक्स का मोबाइल फ़ोन होल्डर बता दिया मैंने, अंदर मैं पावर बैंक डाल लेता हूँ उसके, वायरलेस चार्जिंग वाला, तो उससे क्या है कि चार्जिंग भी होती रहती है फ़ोन की। बाकी बढ़िया है, फ्लैशर ब्लीशर लगे बड़े हैं, रॉयल पिस्टन की हेडलैम्प के साथ में आपको ये स्विच लगवाना पड़ेगा वरना बैटरी की आपकी ले लेगी, वो फ्यूज़ उड़ जाता है बॉस, और कुछ नहीं है। और एट द मोमेंट दैट्स इट। हाँ, क्रूज़ प्रोस्पेक्ट का क्रूज़ कंट्रोल ये भी है बॉस, अच्छा है प्रोडक्ट, मस्त लॉन्ग राइड्स पे हो जाता है सेट। बाकी ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट। ओके, कार्बन रेसिंग से शुरू होते हैं। कार्बन रेसिंग की विंडशील्ड बहुत अच्छी है बॉस, 140 तक, 150 तक भी, मतलब कितना भी ले जाओ उसके, डजंट मैटर, आप वॉट एवर स्पीड यू राइड, आपके चेस्ट तक की प्रोटेक्शन है इसमें, ठीक है। बाकी हेलमेट पे तो ब्लास्ट लगता ही है, एंड लुक में भी सनसेट स्ट्रिप के साथ में तो ब्लैक, अब लुक्स की बात है वो मैं, आप खुद ही देख लो बॉस, किसी को लगवानी है किसी को नहीं लगवानी। और फिर आ जाते हैं हेडलैम्प पे, हेडलैम्प रॉयल पिस्टन की ली मैंने, अमेजोन से मंगवाई थी, ठीक है, एंड द गाय इज़ हेल्पफुल। ओके, पहले जब मैंने मंगवाया तो मुझे लगा कि भाई ये क्या धोखा हो गया मेरे साथ, बट ही वॉज जेन्युइनली हेल्पफुल गाय, द सेलर इज़ ही इज़ अ नाइस गाय, तो उसने मुझे, मतलब मैंने उसको कॉन्टैक्ट किया एंड मतलब अमेज़ॉन पे किया, फिर उसने मुझे नंबर दिया, मैंने उसको व्हाट्सएप पे भी वीडियोस बता के दिखी, मैंने कहा भाई इसके तो थ्रो इतना कोई ख़ास नहीं है मतलब, और ये नीचे की तरफ जा रही है, तो फिर उसने मुझे बताया कि आपका ना, फिर उसने कुछ एडजस्टमेंट्स करने के लिए बताया, वो हर किसी का अलग अलग हो सकता है बाय द वे, तो वो मैं लेके गया अपने इसके पास मैकेनिक के पास, उसने फट से कर दिया एंड देन इट वॉज़ ऑल ओके। मतलब ये अगर नॉर्मल राइड्स करनी हो ना कि लाइक 100-200 किलोमीटर्स के लिए रात में इट्स फाइन, हाईवे राइड है, एक्सप्रेस वे की मैं बात नहीं करूँगा, अप टू 100 किलोमीटर 100 की स्पीड तक ये ठीक है, कामयाब है लाइट, नो डाउट, ठीक है। वाइड थ्रो भी अच्छा है इसका और वाइड है तो, और दिखने में भी अच्छी लगती है, ये देखो ग्रेवल कैसे पड़ा है। हाँ, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा शॉर्ट हो सकता था भाई, और यहाँ पंचर हो गया ना लग जाएगी बस, तो या तो
उसने वो सेटअप करवा दिया मेरा फिर. आई मीन अभी तक तो मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है इस लाइट से. बट हाँ, अगर आपको नाइट टूरिंग करनी है तो यू नीड अ प्रॉपर एडिशनल लाइट्स, ऑक्सिलरी लाइट्स, ठीक है. तो वो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट टाइम. हाँ, वो भी मुझे नेक्स्ट टाइम लगवानी है. मैड डॉग की अल्फ़ा लगवाऊँगा. तो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई हैं साइन ऑफ के बाद में. ट्यूबलेस कन्वर्शन, मैड डॉग ऑक्सिलरी लैंप्स, और क्या था भाई, एक और चीज़ था. भूल गया, चलो देखते हैं. एंड ओके, सहारा सीट्स. मैं अभी, कई लोग लगवा लेते हैं वो जीटी की टूरिंग स्पीड टूरिंग सीट. अगर उसके साथ कंपैरिजन किया जाए, या फिर रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर वाली ही टूरिंग सीट, दो अलग अलग है ना. एक जीटी की भी है, यूजुअली लोग उसको प्रेफर करते हैं. जो इंटरसेप्टर की टूरिंग सीट है वो दिखने में लुक्स वाइज अच्छी है, बट उतनी वो नहीं है. वो कंपेयर टू सहारा सीट्स उसका उतना अच्छा कॉम्पिटिशन नहीं है. तो अगर वैसे देखा जाए, अगर आपको सीट हाइट नहीं बढ़ानी है, ठीक है, तो आप गो फॉर दिस रॉयल एनफील्ड की जीटी की टूरिंग सीट. इट्स अ वेरी गुड सीट. मैंने एक देखी थी उस पर, तो मैंने ऑनेस्टली, मुझे उसके बारे में पता नहीं था, ठीक है. जीटी की भी लगा सकते हैं. मैंने बाइक ली और विद इन वन वीक मैंने ये वाली ऑर्डर कर दी, क्योंकि मैं पहले उसमें मैं गया था एक बार, एक राइड किया मैंने दिल्ली की. भाई साहब, आग लग गई मेरे पिछवाड़े में. तो मैंने घर आते ही सहारा सीट ऑर्डर कर दी थी. मैंने नहीं देखा उसके बाद में कि कौन सी सीट की जाए. तो या क्योंकि ये तो फट्टा है जो इंटरसेप्टर के साथ में आता है. टूरिंग सीट लगवा लोगे तो अच्छी है टूरिंग सीट, नो डाउट, बट वो उतनी कंफर्टेबल नहीं है. और जो सहारा सीट है, इस सहारा सीट में सीट हाइट इंक्रीज हो जाती है, नो डाउट. अगर आपका हाइट का प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली गो फॉर सहारा सीट, बिकॉज इसकी विड्थ वाइज तो चलो जीटी की भी जो टूरिंग सीट है वो भी अच्छी है, ठीक है. बट मुझे इसका कहीं ना कहीं लुक भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो जीटी की जो सीट है ना वो एकदम पतली सी है. एंड मैंने वो उसमें बैठ के चलाई तो नहीं है, मैंने सहारा सीट ही चलाई है. जीटी के साथ भी, उसकी सीट के साथ भी मैं कभी मिला मौका तो बनाएंगे, ठीक है, टूरिंग सीट के साथ. बट हाँ, बट यहाँ पर पड़ी रहती है यार. सच्ची बताऊँ, मुझे सहारा सीट ही ज़्यादा अच्छी लगी. 5,300 समथिंग की पड़ी थी मुझे, ठीक है. एंड आप अमेज़ोन से ही मंगाई थी मैंने. सहारा सीट्स की वेबसाइट से भी आप ऑर्डर कर सकते हो. इसमें बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइजेशन है. आपको जिस कलर कपड़ा मटेरियल जो चाहिए, आपको कितना एडिशनल फोम चाहिए, क्या कैसे करना है, आपको वो जेल पैड्स ऐड करवाने हैं एक्स्ट्रा, तो वो भी करवा सकते हो. मैंने अमेज़ोन से सिंपल मंगवा ली और कोई कंप्लेंट्स नहीं है. जैसी आई वो भाई साहब ख़तरनाक है. आप एक्स्ट्रा करवाओगे तो वो करा के 8,000 तक की कुछ पड़ जाती है. मैंने वो बेसिक वाली मंगवाई एंड इट वॉज फॉर 5,300 समथिंग. इट्स अ गुड सीट, ठीक है. अभी नेक्स्ट आ जाते हैं हम टूरिंग मिरर्स पे. रॉयल इनफील्ड देखो, जो इसके साथ में स्टॉक मिरर्स आते हैं ना, वो मेरे को क्रोम के मिले थे. अच्छे हैं, नो डाउट. वैसे तो कोई इश्यूज नहीं है उनके साथ, बट यार वो लुक थोड़ा सा ना वैसा हो जाता है कि मुझे इसको ब्लैक करना था. बाइक को कराने को उनको भी ब्लैक करवा सकते थे, बट ये जो टूरिंग मिरर्स हैं इनका, ये सिर्फ नाम के लिए महंगे नहीं है बॉस, इनका दीज आर फंक्शनल. इनका फ़ायदा है क्योंकि ये वाइब्रेट नहीं होते, ठीक है. मतलब इसके अंदर जो आपको इमेज आएगी ना, उस वाले से काफ़ी बेटर आएगी. थोड़े छोटे हैं उस वाले से, मतलब अगर आप वो जो स्टॉक आते हैं उनको चलाने की आपको आदत पड़ जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार छोटूंकू से डाल दिए. बट ये अच्छे हैं. और इसमें आप वो एक फ़िल्म लगवा लो, अमेज़ॉन पे मिल जाती है यार, डे एंड नाइट फिल्म. और भाई साहब फिर वो फिर एंटी ग्लेयर हो जाता है बेसिकली, तो रात के टाइम पे भी लाइट से वो ग्लेयर नहीं आएगा. बट इसमें उतना वैसे भी नहीं, उतना ग्लेयर नहीं पड़ता जितना स्टॉक वाले में पड़ता है, ठीक है.
तो ये उसमें भी बेटर है, लुक वाइज भी अच्छे हैं कस्टमर इस। एंड देखो जो स्टॉक आते हैं उसमें तो आप सिर्फ ऐसे ऐसे आगे पीछे करते, इसमें यहाँ पर एक एडजस्टमेंट है, तो इसमें टक इसमें ना वो बने हुए हैं एडजस्टमेंट की लॉकिंग पोजीशंस हैं, तो आप इसको एक दो नीच कितना भी ऊपर नीचे कर सकते हो ऐसे करके, और इसको भी एडजस्ट कर सकते हो, तो इसमें एडजस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा आपको मिल जाती है। बाकी प्राइस पॉइंट पे देखा जाए तो महंगे तो हैं ही हैं ये, ठीक है। मुझे ये पड़े 5500 के, मैंने स्टोर से जाके लिए हैं एंड थोड़े सस्ते पड़ गए बिकॉज ऑनलाइन तो महंगे पड़ते हैं बॉस। और ये मुझे 1000 रुपीज़ का पड़ा, वो मैंने उसी टाइम पे लगा लिया था। हाँ मैं आपको दिखाना भूल गया, नीचे मैंने सम गार्ड लगवाया हुआ है जो आपके इंजन को प्रोटेक्ट कर लेता है नीचे से ना यार, तो वो तो मैंने बाइक लेते वक्त ही उस टाइम पे शोरूम से लगवा लिया था। आई थिंक समवेयर अराउंड 2500 का कुछ पड़ता है या ऐसे कुछ है, मुझे प्राइस एग्जैक्टली याद नहीं है। के नेक्स्ट इज़ ट्रिप मशीन के ये गार्ड अपना लेदर रैप्स, ये मैंने इसलिए लगवाए बिकॉज जो स्टॉक आती है जब ये, तो इसके जो हैंडल बार्स हैं बहुत मतलब वो बहुत ही बेकार है यार, मज़ा नहीं आता उसमें कुछ। तो फिर मेरे को कुछ चाहिए था, मतलब मैं और भी देख रहा था, तो मैंने मैं ट्रिप मशीन पे जाना नहीं चाहता था बिकॉज लो वैसे तो एड्स तो आती रहती इंस्टाग्राम पे, बट लोगों ने लगवाए हुए थे, फिर मैंने किसी का देखा ठीक लगा मुझे, उसने तो ब्लैक कलर का लगवाया था, कलर सिलेक्शन बहुत भलतास थी उसकी, बट वैसे अच्छा लग रहा था, फील अच्छी आ रही थी उसकी चलाने में बाइक, तो मैंने लगवा लिए। फील बहुत डेफिनेटली बॉस बहुत अच्छी फील आती है, हाथ थोड़ा ना वैसे भरा भरा सा लगता है, ऐसा लगता है कि कोई बड़ी बाइक चला रहे हो, बड़ी तो चलो ठीक है। एंड उसके बाद में मैंने लगवाया है ये हैंडल बार रेजर्स लगवाए हैं मैंने, वो दिखाना भूल गया, ये भी मैंने अमेजोन से मंगवाए, आई थिंक 2500 या 2250 कुछ ऐसे था, तो अच्छे हैं। लेकिन वीडियोस भी हैं जो ये बनाता है ना, और भी बहुत सारे हैं हैंडल बार रेजर्स, आप कोई भी मंगवा लो, इट्स ऑन यू कम्प्लीटली, योर चॉइस, मतलब बहुत सारे, ऑफकोर्स इट इज़ योर चॉइस बाइक वाले तो, बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि मैं ऐसे कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही कुछ खास है, और भी बहुत अच्छे अच्छे भी हैं मैंने मंगवा लिए, दीज आर मेरी हाइट के हिसाब से मुझे सही लगता है, इनके ऊपर ज़्यादा वो नहीं है, मतलब हैंडल के ऊपर इतना प्रेशर नहीं आता मेरा, माई हैंड्स आर रिलैक्स्ड, तो उससे मनूवरिंग थोड़ी सी ईजी हो जाती है, ठीक है। अगर आप झुके रहते हो ना उसके ऊपर तो मनूवरिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है बस। फिर क्रूज़ कंट्रोल का तो आपको पता ही है, 2200 का कुछ आता है ये प्रोस्पेक्ट का, एंड ठीक है लंबी आपको काफ़ जैसे ईस्टर्न पेरिफेरल वे, वेस्टर्न पेरिफेरल वे, या फिर कोई अपना दिल्ली चंडीगढ़ जाना होता है तो क्या ट्रैफिक नहीं है, खाली एकदम रोड है, सेट कर दिया भाई साहब पीछे होके, एक हाथ से आप हैंडल पे हाथ रख लो और चलाते रहो, ठीक है बढ़िया है यूसेज के लिए, बट थोड़ा रिस्की भी है, अगर कहीं पे गिर वगैरह गए तो भाई साहब एक्सेलेटर इसका दवा ही रहेगा फिर। हाँ लेकिन आप इसको वाइल यूजिंग ऑल्सो यू कैन रिड्यूस स्पीड, इट्स नॉट लाइक कि आपने एक बार सेट कर दिया तो सेट हो गया, आप इसको पकड़ के डाउन भी कर सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स हो जाता है तो। हाँ बट ये है कि ये अच्छा है दूसरे सस्ते वालों से जो क्रूज कंट्रोल्स हैं उनसे, क्योंकि ये अगर खड्डे वड्डे में से जैसे अभी रोड ख़राब है, अगर ऐसी भी बीच में रोड आ जाए तो ये चेंज नहीं होगा, ये पकड़ के रखेगा उसी को, ठीक है, तो ये एक चीज़ अच्छी है इसकी। बाकी अब चल जाते हैं जाना के लेग गार्ड पे। जाना के लेग गार्ड का एक फ़ायदा ये है कि इसमें स्लाइडर दिया रहता है, एक तो दिखने में भी अच्छा है नो डाउट, ठीक है, वो रॉयल इनफील्ड के जो बल्की वाले उसे वो तो अच्छा ही है, ऊपर से वो जो बड़े वाला है रॉयल इनफील्ड का वो महंगा भी है बॉस, 5000 समथिंग का आता है, ये आता है अराउंड 4500 का समथिंग, तो जाना इज़ डेफिनेटली बेटर, ठीक है। ऊपर से स्लाइडर लगा है तो स्लाइडर का आपको ये फ़ायदा पड़ जाता है कि आप लॉन्ग राइड्स पे ना पैर वैर रख के आप आराम से अपना क्रूज़ कर सकते हो 100-120 पे, लेग्स भी रिलैक्स हो जाते हैं, और ऊपर से जब आप अगर आपकी
अनफॉर्चुनेट कोई इवेंट में आपकी बाइक गिरती भी है तो ये स्लाइडर उसको कहीं ना कहीं स्लिप होने से, स्किड होने से रोकेगा। ऊपर से इससे ना आपकी जो ये जाना का लेग गार्ड है ये आपकी एग्जॉस्ट पाइप्स को भी प्रोटेक्ट कर लेता है, तो ये भी बहुत अच्छा इसका वो है फंक्शन। बाकी तो पता ही है, पूरी वीडियो में चिल्ला चिल्ला के पागल कर दिया है मैंने, पावरेज के एग्जॉस्ट एंड केरन का परफॉर्मेंस फिल्टर बढ़िया है नो डाउट, बट डोंट गो फॉर केरन। मेरी पता है ऑनेस्टली स्पीकिंग में मैं चाहता था मैं अपनी बाइक पे सब कुछ इंडियन लगवाऊं, ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी बाहर का ना लेना पड़े, बट मुझे परफॉर्मेंस फिल्टर लगवाना था काफ़ी टाइम से मैं देख रहा था, काफ़ी टाइम से कि आई है बाइक ली है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट मैं ऐसे हूँ ना थोड़ा सा चुल ज़्यादा है मेरे में, तो मैंने ले डाला वो फटाक से, मतलब मिला ही वही। तो यूट्यूब पे एक चैनल भी है मैं जिसको फॉलो करता हूँ, बंदे को फॉलो तो नहीं करता हूँ बट उसकी वीडियोज़ काफ़ी देखता हूँ, भाई ने भी किया इनका लगाया हुआ था, बोल रहा था कि बहुत अच्छा ये है वो है, मैंने वो लगवाया और लिटरली वो लगवाने के एक दिन बाद मुझे पता चला कि स्वे टू स्पीड का भी परफॉर्मेंस फिल्टर आता है जो एक तो केनन से बेटर है, आधे रेट में है और ऊपर से मेंटेनेंस फ्री है। भाई और क्या चाहिए यार, व्हाट एल्स डू यू वांट। तो वहीं पे मेरी तो सनक गई एकदम से, आंटी जी नहीं सॉरी पता है बाइक पे नहीं दे सकता आपको राइड, देखा भी नहीं मैंने, मतलब एक्चुअली लेट भी हो गया था। यार पता है बाइक पे राइड दे तो दो ठीक है, लेकिन ऐसी जगहों पे मत दो, वो भी किसी सीनियर बंदे को। अभी मैं यहाँ पे गलती से गिर गया, आंटी का तो हो जाएगा काम, बॉस ये बाइक अगर गिर गई आंटी का तो काम हो जाएगा, इसलिए मैंने आंटी को राइड नहीं दी। बुरे बन जाओ लेकिन साला किसी की जान तो नहीं ले रहे हो एटलीस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ का है, इस ये रोड थोड़ी सी ऐसी है ना, ग्रावल व्रावल है यहाँ पे, बाइक हिल जाती है बस, तभी तो मैं इतना स्लोली आराम से चला रहा हूँ ठीक है। बाकी मैंने एक जाना का जो रियर सिलेंडर गार्ड मैंने लगाया है दैट इज़ फॉर 1000 रुपीज़, वो मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था, खुद ही इंस्टॉल किया है, बहुत सिंपल तरीके से हो जाता है, ब्लैक कलर का है तो मैंने इसके लिए मंगवा लिया था, क्योंकि जो स्टॉक आता है वो आता है आपका सिल्वर प्लेट, स्टॉक में भी कोई वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये जाना का थोड़ा सा बेटर दिखता है दिखने में, प्रोटेक्शन तो चलो वो भी कर ही देता है यार, और ऐसा कुछ नहीं है कि ये ख़रीदना ज़रूरी है, तो 1000 रुपीज़ ज़बरदस्ती के खर्च किए मैंने, और इस पर भी 1000 ज़बरदस्ती के खर्च किए, ये और भी बहुत सारे सस्ते 300 रुपए में भी आते हैं यार दूसरे उसके, चलो मेरे को लेकिन रॉयल एनफील्ड का लेना था तो ये एक बात हो गई। बाकी बढ़िया है यार, बाइक बहुत ही अच्छी है, एक्सेप्ट इसका जो डर लगा रहता है बस पंचर का, उसके अलावा इस बाइक से कोई भी शिकायत नहीं है। टॉप स्पीड ऑफ स्पीड से अपने को ज़्यादा कोई मतलब है नहीं कोई, क्योंकि यार देखो इन सब बाइक्स में आप टॉप स्पीड, पहले तो मुझे समझ में नहीं आता लोगों को टॉप स्पीड चाहिए क्यों रहती है, टॉप स्पीड चलो ये रहता है कि जो अगर आपकी बाइक की टॉप स्पीड ज़्यादा है तो यू कैन ईजिली क्रूज ऑन उसके बीच में कहीं पर ठीक है, तो लाइक अगर इस बाइक की टॉप स्पीड है अराउंड 180 के अराउंड ठीक है, 174 रॉयल एनफील्ड क्लेम करती है, बट अभी मैंने ये सब करवाया वराया हुआ है, परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट और ये सब है, तो ये अराउंड 180 तक चली जाती है ठीक है, तो 180 से ऊपर भी चली जाती है थोड़ी सी ठीक है, बट वो उतना जब इतनी स्पीड पे होता ना तो ध्यान नहीं जाता उतना दिखने, बट चलाता कौन है बॉस, मैंने नहीं चलाया, टच करवा के दैट्स इट, वो एक बार बस मैंने नया नया लगवाया था जोश था, मैं नॉर्मली 100-120 उसके ऊपर नहीं जाता हूँ मैं कभी कभार, जैसे अगर एकदम खाली है बोर हो रहा हूँ तो 140 पे गए 140-150 वो और बाइक भैया मरे हुए को जिंदा कर दे, तो एकदम बोरियत निकल जाती है, सो यू फील रिफ्रेश लाइक हार्डली फॉर अ सेकेंड, और मतलब 2-3 सेकेंड के लिए किया बस टच करके कम बैक, बट कहीं ना मुझे एचपी के पेट्रोल से ज़्यादा माइलेज मिलती है पता नहीं क्यों ठीक है।
नो आइडिया, दो बार मैंने करके देख लिया और हो सकता है पेट्रोल पंप के पेट्रोल में कुछ गड़बड़ हो, बट उसके बाद से अपना ऐसा हो गया ना कि अब या मैं फिर दूसरे पेट्रोल पंप पे जाना होता है तो वो तो तभी होता है कि जब मेरा एकदम इमरजेंसी की बात आ जाए तभी, वैसे तो मैं HP पे ही करवाता हूँ। ठीक है, बाकी बढ़िया है यार, बाइक मस्त चलती है, नो डाउट। ठीक है, हाँ मैंने इसका जब K&N का एयर फिल्टर लगवाया था तो बेटर इंटेक के लिए मैंने इसकी वो MK डिज़ाइन की ना वो फिल्टर की प्लेट भी लगवाई थी, उससे फुल लवा जाती है क्योंकि जो स्टॉक आता है वो थोड़ा सा ना उससे फ्लो रिस्ट्रिक्टेड रहता है, तो या उससे काफ़ी फर्क पड़ गया वो फ्लो पे ना। बाकी तो क्या है, बढ़िया है जो भी है। स्टील बर्ड का इग्नाइट, इग्नाइट बेसिकली स्टील बर्ड का ही है बट थोड़ा सा वो प्रीमियम सेगमेंट है, तो अच्छा हेलमेट है। 1600 ग्राम्स इसका वेट है एंड बढ़िया है, बट ये है कि बट कुछ नहीं है, बस ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लूज़ है मेरे को, मैंने लार्ज साइज़ लिया है एक्चुअली, उस टाइम पे तो टाइट था वो, बट यूज़ कर कर करके ना जब वो बोलते हैं फिट इन हो गया है, बट ये थोड़ा सा ऐसे हिलाऊंगा ना सर तो हिलना नहीं चाहिए एक्चुअली। अभी मैंने रॉयल एनफील्ड का भी जो किया है उसको मैं मीडियम चूज़ करके आया हूँ, मीडियम अच्छा है, तो या फिर मैंने इंटरकॉम लिया है M10 परानी से बाय सेना, परानी का M10 बाय सेना, परानी इज़ बाय सेना बेसिकली, क्या बोल रहा हूँ, तो ठीक है ऐसा कुछ बहुत सस्ता एंड टिकाऊ टाइप्स है यार, ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, बैटरी अच्छी है, रेंज इज़ ओकेश ऑनेस्टली, दे बोलते हैं 1 किलोमीटर बट मतलब इंटरकॉम पे, मैंने कभी तक ट्राई तो की नहीं है किसी के साथ, मैं अभी तक किसी के साथ गया ही नहीं हूँ, तो वो है नैना देवी गाइस, नैना देवी ओके। ये बात है यार,
रास्ता था वो।